यूनाइटेड की क्लोविस आई है, नई सीरीज आई है पूरी क्लोविस की। अगर आपको ये पर्टिकुलर साइकिल लेनी है तो फिर मैं बात करवा सकता हूँ उनसे। 999 फैटबैक के वेब बात कर रहा हूँ, मुझे आपकी साइकिल थोड़ी पसंद आ रही है। कलर स्मूथ एंड आउट एंड कार्बन फिनिश आपको इसमें मिल जाती है। तो फ्रेम की क्वालिटी का कैसे फर्क पता लगता है आपने मेरी शैड। Hey guys, this is Fatpack Vaho. आपको याद होगा मेरे पास है United Clovis 510 और उसके सस्पेंशन में थोड़ा सा इशू लग रहा है। तो I'm going to a shop and वहाँ पर चेक करा लेते हैं कि सस्पेंशन में क्या इशू आ रहा है। We have just reached the Cyclofit. This is location in Delhi. पिछली बार हम यहाँ पे गए थे अपनी ट्रैक ठीक कराने, उसमें भी शायद क्रैंक का इशू था, तो उस टाइम हम लेके आ गए थे KTM। आज मैंने डिसाइड कर लिया आज कुछ नहीं खरीदूंगा मैं, दिस इज गारंटीड। भाई नहीं ले रहा मैं, मुझे कुछ और लेना है, उसके लिए सेविंग करनी है। क्यों पिटने वाले काम कर रहे हो तो जिंदगी में। सर जी इशू आ गया, कोई ऐसा है इसमें, एक तो फुल सर्विस कर दो मेरी साइकिल और सस्पेंशन मुझे बड़ा हार्ड लग रहा है, इसको देख के बता दो क्या दिक्कत है इसमें। बट नॉर्मली एयर के साथ ही होता है कि एयर को थोड़ी फ्रीक्वेंट सर्विसिंग चाहिए होती है जस्ट टू इंक्रीज द लाइफ, लाइक 4-5 महीने में एक बार मिनिमम। मोस्ट प्रोबेबली सर्विस ही चाहिए होगा, बाकी अगर सस्पेंशन सर्विस करवाना है तो इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि खुलने में थोड़ा टीडी प्रोसेस होता है। कितने घंटे में हो जाएगी? एक घंटा तो नहीं सर, छोड़ना पड़ेगा एटलीस्ट एक, मतलब ओवरनाइट बेसिकली कल मिलेगी अगर मिलेगी तो। एक ना मेरे को और इशू आ रहा है इसमें कि जैसे इसमें तो ब्रेक लग नहीं रही है मेरी, मेरी डुकाटी है तो भर भर के यहाँ निशान आ रहे हैं, टेप लगाई मजा नहीं आ रहा, मतलब क्लीननेस नहीं लग रही। परमानेंट सॉल्यूशन होता है जो कि जनरली इस साइकिल में नहीं है, बट कुछ के साइकिल में स्टॉक SRS सिस्टम आता है। लेकिन वो तो रोड पर ट्रैक बाइक्स में आता है, मेरे को लगता है आता है जनरली ट्रैक बाइक्स और उनमें प्रीमियम में आता है। MTB की कुछ कुछ मॉडल्स हैं बाहर आता है, बाकी इंडिया में फिर अभी एक यूनाइटेड के अंदर आया है नया, बिल्कुल ही रिसेंट लॉन्च हुआ है SRS सिस्टम, उसमें आता है। किसमें आ रहा है? यूनाइटेड की क्लोविस आई है, नई सीरीज आई है पूरी क्लोविस की, जितनी भी है 3.1, 5.1 में आपका SRS सिस्टम के साथ आ रहा है। सीरियसली? ओपन डिस्प्ले में एक पड़ा है, मैं दिखा देता हूँ अभी, एक जनरली एक कस्टमर की ऑलरेडी ऑर्डर्ड है, सो दे हो वे रेडी सर, आप देख लीजिए एक बार। सो ये वाली आई है जो नई आई है क्लोविस 3.1, अच्छी लग रही है, थोड़ा मतलब आई कैची है। खरीदने नहीं वाला इस बार में, मैंने सोच लिया टेस्ट आउट कर सकते हैं वैसे, इसको रिव्यू कर लूँ मैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल करो, बट ये वाली पर्टिकुलर आप ले नहीं पाओगे सर अभी, ये किसी कस्टमर की बताया था ना आपको, उसी के लिए असेंबल हो रही थी। अगर आपको ये पर्टिकुलर साइकिल लेनी है तो फिर मैं बात करवा सकता हूँ उनसे। 999-065। हेलो सर, एक्चुअली आपने एक साइकिल ली थी क्लोविस 3.1 साइक्लोफिट से? हाँ जी, मैंने बुक करवाई है। मैं फैटबैक के वैभव बात कर रहा हूँ, मुझे आपकी साइकिल थोड़ी पसंद आ रही है। फैटबैक के वैभव यूट्यूब वाला? हाँ जी हाँ जी। सो ओरिजिनल फैटबैक के वैभव? अरे हाँ भाई, बात कर पूछ रहे थे। हेलो, जो फैट बाइक चलाता है? हाँ सर, वो जो यूट्यूबर है ना वही आए हुए हैं, तो उनको बस साइकिल दिखाई थी मैंने, तो ही इज लाइकिंग द साइकिल इन लाइक रिव्यूइंग, तो मैंने बोल दिया था कि सर मैं दे नहीं सकता, बट ही वाज इंसिस्टिंग, तो मैंने कहा भाई आप बात कर लो, इफ यू एग्री देन मेबी वी कैन गिव हिम फॉर लाइक रिव्यू पर्पस। या सर वो रिटर्न कर देंगे, आप अभी डिसाइड कर देना कि कितने दिन तक के लिए यू आर ओके विद इट। आज पहली बार हो रहा है बिना साइकिल परचेज करे जा रहा हूं। ठीक है सर, लाइफ में कुछ कुछ नया एक्सपीरियंस होते रहना चाहिए। सो अब चलते हैं इसका रिव्यू करने। And here I am at the new India Gate. This is the new United Clovis 3.1. So this place was known as Rajpath before, and अब इसको rename कर दिया कर्तव्य पथ का। And काफी सारे लोग भी अभी cycling कर रहे हुए दिख रहे हैं। But this was closed area. अब वापस मन कर रहा है यहाँ पर आने का and cycling करने का। Let's first see this bicycle, जो कि आपकी United Clovis 3.1 आती है। And let's see कि इसमें क्या-क्या changes हैं। So if you want to see इसका जो frame है, that is 2023. This is a new updated frame as compared to the old one. And थोड़े से changes भी आए हैं इस bicycle में जो आपको बताने वाला हूँ। If you see the design of frame, that is also improved. And I guess जो 3.1 है, जो 5.1 है, 6.1 है, सबका जो frame है, that is सिल्वर अक्रॉस द लाइन, बस उसके कलर्स में फर्क आ जाता है एंड स्पेसिफिकेशन में फर्क आता है। यू कैन आल्सो सी ऑन दिस फ्रेम यहाँ पे आपको कोई भी वेल्ड मार्क्स नहीं मिलते हैं, दिस काइंड ऑफ स्मूथ एंड आउट एंड कार्बन फिनिश आपको इसमें मिल जाती है। तो फ्रेम की क्वालिटी का कैसे फर्क पता लगता है आपने मेरी शैडो नकैडो की शायद एक रील देखी होगी, उसमें जो कॉम्पोनेंट्स है दैट आर ऑल्सो सिमिलर, लेकिन उसका जो फ्रेम है एज कम्पेयर टू दिस बाइसाइकिल, दिस फ्रेम इज मच बेटर दैन द शैडो। द यूएसपी ऑफ दिस प्रोडक्ट इज द SRS, दैट इज सिंपल राउटिंग सिस्टम। सो आपकी जो ब्रेक की केबल्स होती हैं, जो गियर की केबल्स होती है, वो हेडसेट के अंदर से ही आती है। दिस काइंड ऑफ अ कॉमन सीन जो आपके ट्रैक बाइक्स में मिल जाता है, कि उसमें 3 लाख की जो बाइसाइकिल थी उसमें भी ये सिंपल राउटिंग सिस्टम आ रहा था, तो दिस इज सिमिलर टू दिस। इसमें आपको कोई भी मार्क्स नहीं आते जैसे मेरे डुकाटी में आते थे, ज्यादा क्लियर लगता है आपको, कॉर्पोरेट रैटलिंग भी अवॉइड हो जाती है इन दिस काइंड ऑफ अ सोफिस्टिकेटेड सिस्टम।
The headset is now from FSA, and even I was a crank dekhenge, this is now from Shimano. Even if you brakes dekhenge, that is also from Shimano. Ispe kafi sare parts aapko Shimano ke mil jate hain. And one of the main thing that Clovis series has, that is the through axle. Matlab uske front mein bhi and rear mein bhi aapko through axle mil jata hai. As you know, the through axle hota hai, that is much stronger than the quick release system. Then I thought about this. Aapko yaad hoga mere paas ek KTM bicycle thi jo similar price tag mein aati hai. So I thought, why not just review this bicycle with my KTM that you can see over there. Put the tuck in. So I have two models with me. This is the KTM Chicago 271 and this is the United Glovis 3.1. I thought in dono compare kiya jaye. Dono hi bicycle ka jo price tag hai that is similar because dono hi bicycle 60,000 rupees ke aas paas aa jati hai. First of all, agar aap United dekhenge, ye aapko 2x9 system mil jata hai. Lekin agar aap KTM dekhenge, isme aapko 3x9 ka combination mil jata hai. So gear ratio in this is higher. Lekin agar aap aise dekhenge, iski kaisiyat hai थोड़ी सी इससे बड़ी है. बिकॉज अगर पीछे के डीलर नोटिस करेंगे दैट इज द यूनाइटेड, यहाँ पर आपको शिमानो का एलिवियो मिल जाता है. लेकिन अगर केडी नोटिस करेंगे इसमें आपको एल्टस मिल जाता है. एल्टस थोड़ा सा सेकंड गियर के टाइप के आता है एंड जो एलिवियो है उससे अबव आ जाता है. देन एक पॉइंट है जो काफी ज्यादा मेजर लगा दोनों बाइसाइकिल्स में मुझे, दैट इज द थ्रू एक्सल. बिकॉज मैंने जो आपको बताया कि जो यूनाइटेड है उसमें आपको फ्रंट में भी थ्रू एक्सल मिल जाता है एंड रियर में भी आपको थ्रू एक्सल मिल जाता है. तो फ्रेम भी आपको थ्रू एक्सल वाला है, फॉग भी आपको थ्रू एक्सल वाला है. हवे जो KTM है दोनों में आपको क्विक रिलीज मिलता है फ्रंट एंड बैक. दिस स्टैंडर्ड पर बाइसाइकिल ऑफ दिस साइज, लेकिन जो यूनाइटेड है उसमें आपको एडवांस चीजें ज्यादा मिल जाती है. यू माइट सी कि यहाँ पे संतूर का XCT आपको सस्पेंशन मिल जाता है जो मैंने रिव्यू करा था इस वाली बाइसाइकिल में. दिस इज अ बेसिक माउंटेन बाइक सस्पेंशन. लेकिन अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे इन द यूनाइटेड, यहाँ पर आपको XCM का 32 बूस्ट मिल जाता है. सब लोगों को पता होगा जो XCM सस्पेंशन है दैट इज हायर देन द XCT. देन दोनों ही बाइसाइकिल अगर हम ब्रेक नोटिस करेंगे तो आपको जो KTM है इसमें आपको टेक्टो की ब्रेक्स मिल जाती है एंड अगर आपकी जो यूनाइटेड देखेंगे इसमें आपको शिमानो की MD200 ब्रेक्स मिल जाती है. दोनों में 19-20 का ही फर्क है लेकिन मुझे शिमानो है वो ज्यादा बेटर लगती है. लेकिन एक चीज नोटिस करेंगे जो KTM है इसमें आपको 180M का डिस्क्रोटर मिल जाता है. हाउएवर जो आपको यूनाइटेड है इसमें आपको काफी ज्यादा बेसिक डिस्क्रोटर मिलता है. दोनों की मैंने परफॉर्मेंस भी चेकआउट करी तो दोनों मुझे थोड़े से सिमिलर ही लगे. एंड इसी बात पे इनकी ब्रेक टेस्टिंग भी कर लेते हैं. सो मैं दोनों बाइसाइकिल का ब्रेक टेस्ट करूंगा 20 की स्पीड पे एंड एक 30 की स्पीड पे. मैंने गार्मिन यहाँ पे लगा लिया है. 20 पे स्टेबल, 3, 2, 1. 73 इंच या फिर 186 सेंटीमीटर. ओके 130 इंच या फिर 3.3 मीटर. नाउ वी टेस्टिंग द KTM. अभी 20 की स्पीड पे करेंगे. 20 ओके, पहले से बेटर स्टार्ट आया, 180 आया. 19, 24, 30 इज दैट इज 3.4 मीटर. तो भैंस के फिर 20 भी कैसे बेटर हुई है मुझे पता क्या लग रहा है. तब तक वो घिस गई थी, ब्रेक नहीं होगी फिर वो. जैसे आपको बताया इस प्रोडक्ट की जो USP दैट इज द सिंपल राउटर सिस्टम, दैट इज SRS सिस्टम. जो यूनाइटेड है इसमें आपको क्लीन कॉकपिट मिलता है. लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे दैट इज KTM, तो यहाँ पर आपको रेगुलर वायर्स मिल जाती है एंड थोड़ा सा क्लीन तो नहीं लगती है लेकिन दिस काइंड ऑफ स्टैंडर्ड सिस्टम. इफ यू वांट टू सी द पेडल्स ऑफ द बाइसाइकिल, तो यूनाइटेड आपको एलॉय पेडल मिल जाते हैं. बट इन द KTM यू गेट दी प्लास्टिक पेडल्स. नाउ यू माइट नोटिस मेरे पास भी क्लोविस 5.1 है एंड ये 3.1 है. इन सब में आपको मीडियम फ्रेम साइज नहीं मिलता था. जो आपका 29 सीरीज होती है उसमें आपको स्मॉल फ्रेम साइज मिलता था एंड जो आपकी 27.5 होती है उसमें आपको मीडियम फ्रेम मिल जाता था. दिस वॉज द हाइएस्ट साइज. लेकिन इसमें आपको अब मीडियम फ्रेम भी मिलना स्टार्ट हो चुका है. एंड इफ यू गॉट टू सी यहाँ पर आपको ड्यूल बॉटल होल्डर भी मिल जाते हैं. मतलब उसमें सिर्फ सिंगल बॉटल होल्डर था, इसमें ड्यूल थे. KTM में है ड्यूल नहीं, KTM अरे यार KTM में ड्यूल नहीं है. ये मीडियम फ्रेम के होने के बाद भी इसमें ड्यूल बॉटल होल्डर नहीं है. नाउ वी सी द टायर्स ऑफ द बाइसाइकिल. यहाँ पर आपको आर्डेंट मिल जाता है दैट इज फ्रॉम मैक्सिस एंड आपको शॉल्बी का स्मार्ट सैम मिल जाता है. जो मैक्सिस के टायर्स है दीज आर फॉर द रेसेस एंड शॉल्बी की स्मार्ट सैम का मुझे ज्यादातर आइडिया नहीं. ऑल्सो आई नोटिस इन द यूनाइटेड आपको इसमें ड्रॉपर पोस्ट ऐड करने का भी ऑप्शन मिल जाता है. अगर हम ग्रिप्स की बात करेंगे तो आपको KTM में रेगुलर ग्रिप्स मिल जाती है जहाँ पे आपको ऑरेंज एक्सेंट मिलता है. लेकिन अगर यूनाइटेड देखेंगे यहाँ पर आपको लॉक ऑन ग्रिप्स का ऑप्शन मिल जाता है. नाउ लेट्स स्पेसिफिकली टॉक अबाउट द क्लोविस 3.1. इसमें क्या डिफरेंट आ चुका है. फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें आपको पहले स्मॉल फ्रेम मिलता था, अब इसमें मीडियम मिलता है. अगर आप हाइट नोटिस करेंगे तो आपको जो स्मॉल फ्रेम है उसमें आप 5'8" तक बंदा आराम से चला सकता है. लेकिन आप मीडियम फ्रेम देखेंगे तो 5'9" से लेकर 6'5" तक आराम से एक बंदा चला सकता है. तो मैं कैमरामैन जस्ट रोड दिस बाइसाइकिल, उसने बताया कि मुझे राइड करने में कोई दिक्कत नहीं आई. तेरी हाइट कितनी? 6'1" 6'2" के राउंड है इसकी हाइट, इसको कोई दिक्कत नहीं आई. लेकिन अच्छी तरह मुझे यहाँ पर याद है मैंने KTM मीडियम साइज फ्रेम में चलाई थी. मुझे मेरी हाइट अराउंड 5'7" या 5'6" के आसपास होगी. मुझे इसमें तब भी दिक्कत आ रही थी, क्लोविस मेरे को काफी ज्यादा सही लग रही है उल्टा. तो दिस काइंड ऑफ डिफरेंट. मतलब मीडियम में भी इसका फ्रेम जो है वो काफी स्मॉल लगता है एंड उसका मीडियम फ्रेम काफी ज्यादा लार्ज लगता है. हो सकता है हाइट का डिफरेंस इसलिए होता हो. अगर यूनाइटेड के हब नोटिस करेंगे तो आपको सील बेयरिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है अलॉन्ग विद द थ्रू एक्स. द पेंट फिनिश इज नाउ बेटर देन बिफोर. मतलब लोगों ने भी काफी ज्यादा इसको नोटिस किया, सबने बोला ये ज्यादा एक्सपेंसिव लग रही है एज कम्पेयर टू द KTM. नाउ यूजुअली आप XCM सस्पेंशन देखेंगे उसमें आपको थ्रू एक्सल नहीं मिलता है, उसमें क्विक रिलीज मिल जाता है. लेकिन जो यूनाइटेड क्लोविस है इसमें आपको थ्रू एक्सल का ऑप्शन मिल जाता है. दिस वाज आल्सो काइंड ऑफ डिफरेंट टू सी इन दिस मॉडल. सो जैसे पुराने वाली वीडियो में फर्स्ट कौन आया था, दिस इज फ्रॉम फरानाज. आई गेस पिछली बार भी फर्स्ट आई थी,
एंड इस बार भी ये फर्स्ट ही आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज फ्रॉम हर्षित स्वामी, इन्होंने लिखा हुआ है, सर व्हाट वुड यू चूज, फायरफॉक्स और मॉन्ट्रा? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप मुझसे दो या तीन साल पहले कहते तो मैं बोलता कि फायरफॉक्स की साइकिल बेटर है, जिसे मैंने अभी देखा था, न्यू आई थी, आपकी ग्रुप में आपको दिख जाएगी। लेकिन एट दिस पॉइंट मॉन्ट्रा इज बेटर बिकॉज की जो क्वालिटी है एज पर दी स्पेसिफिकेशन वो ज्यादा अच्छी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज फ्रॉम फलाना फैक्ट, इन्होंने लिखा हुआ है, कैन यू टेल मी हाउ कैन आई बाय अ सेकंड हैंड ट्रैक बाइसाइकिल और एनी अदर बाइसाइकिल लाइक पॉलीगन, यूनाइटेड, सांता क्रूज, एक्सेट्रा, लव यू फीडबैक। सो अगर आपको सेकंड हैंड बाइसाइकिल खरीदने से ट्रैक खरीदनी है या यूनाइटेड खरीदनी है तो आप उसके लिए साइक्लॉप टाइप की एक वेबसाइट है एंड उसकी जो फेसबुक पेज है वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं बिकॉज वहाँ पे प्रीमियम बाइसाइकिल आपको मिल जाती है। जो सांता क्रूज है दैट इज काइंड ऑफ प्रीमियम, मतलब इससे बहुत ज्यादा हाई लेवल पर पहुंच जाता है एंड फाइंडिंग दैट इन इंडिया इज काइंड ऑफ डिफरेंट। जो पॉलीगन जैसे ब्रांड है आई गेस ये तो आपको सिर्फ ओएलएक्स टाइप पे ही मिलेगा क्योंकि वैसे बाइसाइकिल वही मिलती है। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, दिस फ्रॉम मकूदार फ्रॉम भारे, भैया आपके पास कितनी साइकिल लेने का पैसा कहाँ से आता है? मेरे पास तो आस भी नहीं कर सकता, पापा के पास पैसा नहीं है। भाई बात ऐसी है, मेरे पास कोई पैसा नहीं आता दिस काइंड ऑफ री इन्वेस्टमेंट बिकॉज मैं यूट्यूब से कमाता हूँ एंड यूट्यूब से मैं री इन्वेस्ट करता हूँ। एक ही बात है यार, क्या 14 प्रो बस 20,000 का फर्क है? नहीं नहीं, एक 40 का मेरा वाला है, मेरा एक 40 का है। हाँ वही ना, 60,000 रुपए का फर्क है भाई फोन में। नहीं इतने हैरानी से क्यों देख रहे हो भाई, मैं नॉर्मली तो अच्छा। हाँ मैं वही हूँ भाई, चिंता मत करो। तो अच्छा इनसे पूछते हैं, ए आप बताना इन दोनों साइकिल्स में आपको कौन सी बेटर लग रही है, येलो वाली या रेड वाली? कौन सी बेटर लग रही है इनमें? लेकिन तुम्हारी उस टाइम पे बहुत अच्छी थी, कौन सी वो है? हाँ ये इसको तो रिव्यू करा था मैंने, तभी तो ली थी। हेलो कैसे हो? शेड भाई का नाम है। हाँ जी हाँ जी, कैसे हो? फोटो हाँ ले लो, आपका कंटेंट बहुत सही लगता है। थैंक यू सो मच। हेलो कैसे हो? हाय सर। हेलो, नॉट माय लाइफ, एक्चुअली लोगों को शायद पता नहीं होगा, मेरी कल तबियत इतनी जबरदस्त खराब थी, अभी भी खराब है। साइकिलिस्ट को देख के मेरा मूड ठीक हो जाता, पता नहीं क्यों, लग नहीं रहा किसी को वैसे यहाँ पर चल रहा है। तुम आधे घंटे से यही सेल्फी के लिए वेट कर रहे थे, तो बोल रहे थे, सोच कर रहे थे यार, बोलोगे ऐसे खड़े हो तुम सब? एक्चुअली में फोन मेरे पास थे, वो बुला के लेकर आए। ओह ट्रैक, नाइस। वेलकम। एक बात बताओ, वो ज्यादा अच्छी लग रही है केटीएम यूनाइट, और कौन सी इसमें एक्सपेंसिव लग रही है? उसको तो ये लग रही है, ये एक्सपेंसिव है। हाँ वो 10,000 रुपये सस्ती है। Now coming to the conclusion, let me tell you the price of these bicycles. जो कि KTM है, that is 63,000, and United है, अभी तक मुझे confirm नहीं है, जो पुराना version था, that was for 47,000 rupees, लेकिन 2023 version है, I guess this should be close to 50,000 rupees के आसपास, तो दोनों बाइसाइकिल में अराउंड 13,000 रुपीज का तो फर्क है ही है, या फिर 10,000 का डेफिनेटली फर्क है। उसे आपसे मुझे बता सकते हैं नीचे कमेंट करके, आपको कौन सी साइकिल बेटर लगी, या आपको यूनाइटेड बेटर लगी, या फिर आपको केटीएम बेटर लगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, ये वीडियो आपको कैसे लगी आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आती है इसको लाइक कर सकते हैं एंड अपने फ्रेंड्स को दिखाना चाहते हैं नई बाइसाइकिल तो उनके साथ वीडियो शेयर कर सकते हैं। दैट इज फैटबैक वैभव, एंड दिस फैटबैक वैभव साइनिंग ऑफ। इंडिया गेट डिफिकल्ट है यार आना, फोन बज जाएगा मेरा, सबके वन प्लस क्यों है यार।